बहुत बहुत वेलकम करूंगा फ्रेंड्स एक बार फिर अपने यूट्यूब चैनल रिंकू शर्मा के ऊपर। और इस बार मैं आपसे बात करने वाला हूं एक नए प्रोग्राम के बारे में, उसे मैं प्रोग्राम कम और हेल्थ का ज़्यादा बोलूंगा, क्योंकि बहुत बार सुनते आए हैं बचपन से हेल्थ इज़ वेल्थ, सुना काफ़ी लंबे टाइम से है कि हेल्थ इज़ वेल्थ, लेकिन हेल्थ के साथ वेल्थ कैसे होती है वो समझ में आया जब पीएम इंटरनेशनल, जिसके बारे में मैं आज आपसे बात करने वाला हूँ, जब मैंने उसको कंटिन्यू किया और उसकी समझा, उसको कंटिन्यू करने से पहले तो समझ में आया। सबसे पहले बात करूँगा पीएम इंटरनेशनल की कि पीएम इंटरनेशनल है क्या। पीएम इंटरनेशनल एक ऐसा फाउंडेशन है जिसने अब तक मिलियंस ऑफ पीपल्स को लास्ट 25 इयर्स के अंदर उनको लाइफ दी है, एथलीट्स को उनके ड्रीम्स दिए हैं, बहुत सारे ऐसी डिजीज जिनको मैं क्रॉनिकल डिजीज बोलते हैं, उन क्रॉनिकल डिजीज वालों को उसने एक अलग सा इन्वायरमेंट दिया है। आज का ये मेरा वीडियो प्रोग्राम को लेकर नहीं है, एक सिस्टम को लेकर है, और यहाँ पर एजुकेशन की बात होगी। कुछ लोगों को मेरा ये वीडियो अटपटा भी लग सकता है आज, और कुछ लोग जो समझते हैं रियलिटी में कि हेल्थ सेक्टर क्या है, और जो लोग अपनी हेल्थ को लेकर कॉन्शियस हैं, आज इस वीडियो को एक सिंगल पर्सन जो मेरे आज इस वीडियो को देखेगा डिनाई नहीं कर सकता है। मैं किसी प्रोग्राम के बारे में बात कर रहा होता तो होता कि यार वो प्रोग्राम कर रहा है, उस प्रोग्राम वो अच्छा हो सकता है, बुरा हो सकता है, ये हो सकता है, वो हो सकता है, बहुत सारे एक्सक्यूज हो सकते थे, लेकिन आज जिस मैं प्लेटफॉर्म की बात करने वाला हूँ उसकी हर किसी को ज़रूरत है। जी हाँ फ्रेंड्स, अगर एक मैं छोटे से छोटे गांव की बात करूँ, छोटे से छोटे शहर की बात करूँ, बड़े से बड़े शहर की बात करूँ, कॉन्टिनेंट की बात करूँ, वर्ल्ड की कई सारी कंट्रीज़ की बात करूँ, एक सिंगल पर्सन ऐसा नहीं मिलेगा जो ये बोले कि ये उसके लिए नहीं है। ज़रूरत है आप सबको सिस्टम को समझने की, और साथ साथ में क्या है पीएम इंटरनेशनल उसको समझने की। पीएम इंटरनेशनल एक ऐसा फाउंडेशन जिसने अब तक मिलियंस ऑफ पीपल की लाइफ को चेंज कर दिया। अभी तक इंडिया में बहुत सारे लोग थे जो कि ऑलरेडी जर्मनी से, लग्जमबर्ग से प्रोडक्ट्स को कस्टम के थ्रू अपनी कंट्री में ले रहे थे और उनको ले रहे थे, और उनके जितने भी बेनिफिट्स उनको मिल रहे थे उन बेनिफिट्स को वो देख रहे थे। कंपनी ने इंडिया में अपना ऑफिस ओपन किया। लास्ट 3rd of September को कंपनी ने प्रोडक्ट्स के बारे में इंट्रो दिया, और अभी कंपनी इंडिया में 5 प्रोडक्ट के साथ में कंटिन्यू हुई है। बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, सारे के सारे प्रोडक्ट्स डोपिंग फ्री हैं। फैमिलीज़ को लेकर बहुत सारे जो हमारी डिजीज़ हो सकती हैं उन सब को लेकर 1-to-1 एक न्यूट्रिशन का ऐसा सिस्टम कंपनी ने पिछले 25 साल से मार्केट में उतारा हुआ है, जिसका किसी के पास में कोई तोड़ नहीं। मैं पहला ऐसा पर्सन नहीं हूँ जो कि आपको बताने जा रहा हूँ, लेकिन हो सकता है कि इंडिया से हो सकता है बहुत सारे और भी हो सकते हैं, लेकिन मैं बोलता हूँ कि इंडिया से हो सकता है कि मैं फर्स्ट पर्सन हूँ जो आपको पीएम इंटरनेशनल के बारे में आज हिंदी में बताने वाला हूँ। जैसे ही मैंने पीएम इंटरनेशनल के बारे में लाइव आपको दिखाया था जब उसका इवेंट हुआ, उसके बाद जो मेरे साथ में काम कर रहे हैं मेरे दूसरे प्रोग्राम्स में यूएसए से कुछ लोग थे, उन्होंने मुझे कॉन्टेक्ट किया कि पीएम इंटरनेशनल है क्या। मैंने उनको बताया, क्योंकि पीएम इंटरनेशनल का मतलब हेड ऑफिस एक यूएसए में है, उन्होंने सर्च किया, उन्होंने उस चीज़ को समझा और बोला यार ये तो ज़बरदस्त चीज़ है, 10 में से 7 लोग आज की डेट में अदर कंट्रीज़ के अंदर इस प्रोडक्ट को लेते हैं, ठीक है। तो आज मैं उसी के बारे में आपसे बात करने वाला हूँ। तो पहले मैं आपको पीएम इंटरनेशनल के बारे में बताऊँ कि यहाँ किसी तरह का पिछले 25 से 26 साल से कोई स्कैम नहीं बोल सकते हैं, किसी तरह का कोई ऐसा नहीं बोल सकते कि यार ये प्रोडक्ट्स बेकार हैं, क्योंकि मैं किसी प्रोडक्ट के अगेंस्ट नहीं हूँ, मैं किसी सिस्टम के अगेंस्ट नहीं हूँ। मैंने हमेशा बोला है कि जो भी जो कर रहा है अपने लेवल पर बहुत अच्छा कर रहा है, लेकिन मैं चैलेंज के साथ बोल सकता हूँ
कि इसका तोड़, ये जो पीएम इंटरनेशनल के जो प्रोडक्ट्स हैं उनका तोड़ अभी तक किसी के पास नहीं है। पीएम इंटरनेशनल के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताऊं कि पीएम इंटरनेशनल है क्या, कौन इसके ऑनर हैं, अब तक क्या हुआ क्या नहीं हुआ, कब से इसको स्टार्ट हुआ, स्टेप बाय स्टेप मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करता हूँ। पीएम इंटरनेशनल 1993 में कंटिन्यू हुआ था, जिसके ऑनर बोल सकते हैं, सीईओ बोल सकते हैं, फाउंडर बोल सकते हैं, रॉल्फ सॉर्ग हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, रॉल्फ सॉर्ग एक ऐसा पर्सन जिन्होंने पीएम इंटरनेशनल को स्टार्ट किया, और जब उन्होंने स्टार्ट किया उस वक्त उन्होंने उसको स्टार्ट किया था एज अ प्रोडक्ट, वो भी ब्यूटी प्रोडक्ट्स में। बहुत सारे लोग पीएम इंटरनेशनल कर रहे होंगे लेकिन उनको शायद इन चीज़ों का नॉलेज है नहीं है, मैं नहीं बोल सकता, लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि उन्होंने उसको स्टार्ट किया था एज अ कॉस्मेटिक, और कॉस्मेटिक में भी उनके जो प्रोडक्ट्स थे या हैं आज नंबर वन पर चल रहे हैं। अभी आप YouTube पर जा सकते हैं, लिख सकते हैं PM इंटरनेशनल और उसके प्रोडक्ट्स हैं फिट लाइन के नाम से, आप देख सकते हैं जाके कि वर्ल्ड के हजारों लाखों वीडियोस आपको मिलेंगे फिट लाइन के ऊपर, PM इंटरनेशनल के ऊपर, और एक सिंगल पर्सन आपको कंप्लेंट करता हुआ नहीं मिलेगा कि यार इसका प्रोडक्ट बेकार है। तो हमारी खुशनसीबी है कि ये प्रोडक्ट अब इंडिया में आया है, लीगलाइज तरीके से आया है, इंडिया के अंदर उसने अपना ऑफिस ओपन किया है और साथ साथ में लीगलाइज तरीके से काम को कंटिन्यू किया है। ठीक है, तो थोड़ा समय पहले आपको पीएम इंटरनेशनल के बारे में थोड़ा एक्सप्लेन करूं कि पीएम इंटरनेशनल 1993 में रॉल्फ सॉर्ग ने स्टार्ट किया था जर्मनी में लिमबर्गर हॉफ में, और उसके बाद कि जो जर्नी है वो इतनी ज़बरदस्त जर्नी है, इतनी ज़बरदस्त जर्नी है कि मैं आपको उसके बारे में थोड़ा और डीपली बताता हूँ। आज 2017 की अगर मैं बात करूँ तो ये कंपनी ग्रैंड डच लग्जमबर्ग में है। ठीक है, जब इस कंपनी को उन्होंने स्टार्ट किया था प्रोडक्ट बेस्ड नहीं थी वो कंपनी, कॉस्मेटिक बेस्ड थी। तो जैसा कि उनका के ऑनर ने जब इंडिया आए और उन्होंने वन टू वन जब मिले और उन्होंने बताया कि क्यों उन्होंने इस प्रोडक्ट को मार्केट में लाने की कोशिश की, क्यों उन्होंने आज वर्ल्ड के सारे जो प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनियां उनको एक चैलेंज दे दिया है मार्केट में, उसके पीछे का रीज़न था कि एक दिन उन्होंने न्यूज़पेपर में उनकी दादी ने बताया उनको कि एक कोई कंपनी है जिसका ये वाला प्रोडक्ट है जिसका ये रिजल्ट मिलने वाला है। उन्होंने ये देखा कि दादी बोल रही है कि ये प्रोडक्ट उनको ला कर दो। ठीक है, उन्होंने उसी टाइम डिसीजन लिया कि अगर ये कंपनी प्रोडक्ट बना के दे सकती है तो ठीक है, मैं इस प्रोडक्ट को मंगवाता हूँ, इसमें चेक करते हैं कितना इसमें जेन्युइन चीज़ें मिली हुई हैं, कितना ये हेल्थ के लिए फिट है और कितना इसमें इसके एडवांटेज और कितने इसके डिसएडवांटेज हैं। उन्होंने ऑर्डर किया, उन्होंने प्रोडक्ट को मंगवाया, जब उन्होंने देखा तो उसमें 20% उन्होंने कुछ दिखा कि कुछ है और 80% सब वेस्टेज की चीज़ें थी। उसी टाइम उन्होंने डिसीजन लिया कि यार अगर आज मेरी दादी इस प्रोडक्ट को लेती है तो कल को तो ऐसे हजारों लोग लेते हैं, क्या होता होगा उनके साथ में। उन्होंने उसको कंटिन्यू किया और ये एम बना लिया अपना कि मुझे इस कंपनी को प्रोडक्ट बेस में भी लेकर आना है, और उन्होंने तभी से उसको कंटिन्यू किया। आज वर्ल्ड की कई सारी बड़ी बड़ी लैब उनकी अपनी चल रही हैं, बड़े बड़े डॉक्टर्स की टीम्स वहाँ काम कर रही हैं जो कि इसी लेवल पर काम कर रही हैं। आज भी उनकी दादी उसी प्रोडक्ट को ले रही है जो उनकी कंपनी का खुद का प्रोडक्ट है। मीन्स ये जो बिजनेस है अब ये फैमिली बिजनेस बन गया है। 1995 में कंपनी ने फिट लाइन के नाम से प्रोडक्ट्स को मार्केट में निकाल दिया। जैसे उन्होंने देखा कि उनकी दादी के साथ में ऐसा कुछ हादसा हुआ है, उन्होंने तभी डिसीजन लिया, तभी उन्होंने अपना माइंड सेट किया और 1995 में ही उन्होंने अपना प्रोडक्ट मार्केट में निकाला जो कि फिट लाइन के नाम से था, है, और अकॉर्डिंग टू कंपनी, अकॉर्डिंग टू फैमिली बिजनेस उनका कहना है कि रहेगा। इस पर रिसर्च चलती रही और 2000 में कंपनी ने अपनी साइंटिफिक टीम बनाई जिस टीम ने ये गारंटी ली कि हमारा जो ये प्रोडक्ट है ये टोटली मेडिकल फ्री है। मींस इसमें किस तरह की कोई मेडिसिंस नहीं है, 100% ये ऑर्गेनिक है, इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है, और उसको लैब में चेक करने के लिए भेजा और वहाँ पर
से जब वो अप्रूवल होकर आया तो उसके बाद आज दिन तक इस सिस्टम ने पीछे मुड़ के नहीं देखा है, इन प्रोडक्ट्स ने पीछे मुड़ के नहीं देखा है। तो कंपनी ने 2003 में यूरोप के अंदर अपना लॉजिस्टिक सेंटर को स्टेब्लिश किया। 35 कंट्रीज में ऑलरेडी ये प्रोडक्ट बूम कर रहा है और 36 कंट्रीज जो है वो इंडिया है जहाँ पर अब इस प्रोडक्ट को लेकर कंपनी आई है। तो आप मुझे बताइए कि कितने लोग हैं जो अपनी हेल्थ को लेकर आज की डेट में अवेयर नहीं है। हर कोई अवेयर है लेकिन किसी के हाथ कोई सही चीज़ नहीं लग रही है, सही प्रोडक्ट नहीं लग रहा है। इसलिए हम कई बार प्रोडक्ट्स को लेते हैं, जैसे एक्सरसाइज वगैरह करते हैं, देखा होगा आपने, हम बोलते हैं यार फलाने वाला बंदा है उसकी हेल्थ बहुत बढ़िया बन रही है, बॉडी बहुत बढ़िया बन रही है, ये हो रहा है वो हो रहा है, उसने ये प्रोडक्ट लिया वो प्रोडक्ट लिया, और आने वाले कुछ दिनों के बाद हम देखते हैं उसकी किडनी में कुछ इफेक्ट आ गया, कुछ उसका लीवर में फॉल्ट आ गया, उसे कोई ना कोई प्रॉब्लम हो गई, और जैसी उसने बॉडी अपनी बनाई थी उसका 10 times वो इनक्रीज की जगह डिक्रीज हो जाता है। ऐसा यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं है। मैं अकेला ऐसा बोलने वाला नहीं हूँ, वर्ल्ड के कई सारे एथलीट्स आपको YouTube पर मिलेंगे जो कि फिट लाइन के जो प्रोडक्ट्स हैं उनके बारे में आपको बताते हुए मिलेंगे कि उन्होंने इस प्रोडक्ट को लिया और क्या इसके रिजल्ट्स हैं उनके लिए, कैसे उनका स्टैमिना आज की डेट में बेस्ट है, कैसे उनके पास ऑक्सीजन का लेवल कंप्लीट है, कैसे उनका जो ब्लड का सर्कुलेशन है प्रॉपर चल रहा है, कैसे उनकी हेयर फॉल की प्रॉब्लम नहीं है, कैसे उनके नेल्स की प्रॉब्लम नहीं है, कैसे उनकी इचिंग की प्रॉब्लम नहीं है, बहुत सारे रिजल्ट्स आपको देखने को मिलेंगे आपको YouTube चैनल के ऊपर। इसके बाद धीरे धीरे जब स्प्रेड हो रहा था तो मार्केटिंग प्लान लेकर आया कंपनी ने बोला है कि भाई 1995 से धीरे धीरे करके स्प्रेड हो रही थी, कई सारी कंट्रीज में हो रही थी, अब कंपनी ने बोला कि अब इतने सारे हमारे प्रोडक्ट के लवर हो गए तो क्यों ना अब हम उनको कमाने का मौका भी दें। 2011 में रॉल्फ ने बोला कि अब मैं इस सिस्टम को वर्ल्ड वाइड लेकर जाऊंगा, लेकिन वर्ल्ड वाइड ले जाने से पहले मुझे यहाँ पर एक लीगल सर्टिफिकेट चाहिए। उसके लिए उन्होंने एक अपील किया और अपील करने के बाद हायर रीजनल कोर्ट फ्रैंकफर्ट एम मेन ने उसको सर्टिफिकेट दिया इंटरनेशनल मार्केटिंग प्लान का, और तब से पीएम इंटरनेशनल ने वर्ल्ड वाइड जो बूम मचाया, जो धूम मचाया, लोगों को मिलिनरी बिलिनरी बनाया, लोगों को कौन कौन सी सीरीज की BMW ब्ला ब्ला रिवार्ड्स दिए, वर्ल्ड वाइड इतने इवेंट्स हुए, इतने सेमिनार्स हुए कि आप जब उसको YouTube पर चेक करेंगे तो आपको सब चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। 2011 के बाद 2013 में पीएम इंटरनेशनल को TUH हिसेन सर्टिफिकेट मिला। 2015 में कंपनी ने एक हेडक्वार्टर और ओपन किया अपना एशिया पैसिफिक के नाम से, ठीक है, एशिया पैसिफिक के नाम से एक हेडक्वार्टर और स्टेब्लिश किया जो कि सिंगापुर में है, और सेम उसी ईयर में कंपनी ने एक हेडक्वार्टर और फिक्स किया जो कि लग्जमबर्ग में। तो अब तक की हिस्ट्री आप कंपनी की देख सकते हो, कितनी कंपनी स्ट्रांग है, सिस्टमेटिक तरीके से काम कर रही है, और अब तक किसी तरह का कोई कंपनी के ऊपर एलिगेशन नहीं है। 2016 में ही रॉल्फ सॉर ने, जो कि पीएम इंटरनेशनल के फाउंडर भी हैं, सीईओ भी हैं, उन्होंने WFDSA काउंसिल को ज्वाइन किया। 2016 में इसी बीच में एक बड़ी अपॉर्चुनिटी और मिली कंपनी को, और जिसको कंपनी ने बड़े लेवल पर लिया कि जो लग्जमबर्ग का इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी का जो इंस्टीट्यूट है वहाँ से कंपनी का एक कोलेबराइज एग्रीमेंट हुआ, और उसके बाद कंपनी ने कमिटमेंट किया कि उसके जो प्रोडक्ट्स होंगे, उसकी जो सर्विसेज होंगी, वो इस इंडस्ट्री में और इस सोसाइटी में नंबर वन की रहेंगी। मींस कंपनी स्टेप बाय स्टेप जो है ग्रोथ कर रही है और सिस्टमेटिक तरीके से काम भी कर रही है। अब तक की रिसर्च में इतना निकल कर सामने आया। करंटली 2016 में तक, अब 17 चल रहा है, 2016 तक वर्ल्ड वाइड जितने भी इनके 4 हेडक्वार्टर हुए, पहला हुआ उनका खुद जर्मनी में, दूसरा हुआ उनका लग्जमबर्ग में, फिर हुआ उनका एशिया पैसिफिक सिंगापुर में, और उनका हुआ USA में,
इन चारों हेडक्वार्टर्स के अंदर डॉक्टर्स की टीम मिला लो, सारे के सारे साइंटिस्ट जो कि वर्ल्ड के बेहतरीन साइंटिस्ट की जो टीम है उसको मिला लो, उन सबको मिला के कंपनी के 500 एम्प्लॉई आज की डेट में काम कर रहे हैं, जो कि लोगों की हेल्थ को लेकर डे नाइट कंटिन्यू काम कर। सबसे बड़ी बात कि कंपनी का 2016 के एंड तक 460 मिलियन डॉलर का जो बिजनेस है कंपनी का, ये ऑन पेपर है। तो आप खुद आइडिया ले लगा सकते हैं कि एक ऐसा कंपनी, एक ऐसा सिस्टम। आप भी हेल्थ के बहुत सारे कंपनीज कर रहे होंगे, आप भी हेल्थ के बहुत सारे प्रोडक्ट्स को ले रहे होंगे, आप भी सप्लीमेंट के बारे में बता रहे होंगे, लेकिन आप उन प्रोडक्ट से कंपेयर करके देखो एक बार कि जो मैं बता रहा हूँ कि 2016 तक कंपनी का 2416 मिलियन डॉलर का रिवेन्यू कंपनी ने जनरेट किया, क्या आपका जो वो सिस्टम है वो कर रहा है? अगर नहीं तो मैं आपको ब्रदर सजेस्ट करता हूँ कि आप पीएम इंटरनेशनल में आओ, साथ मिलकर हेल्थ भी बनाओ और हेल्थ बनाने के साथ साथ में एक बड़ा पैसा भी बनाओ। अप्रैल 2017 तक कंपनी वर्ल्ड में 35 कंट्रीज में थी और अभी सितंबर के बाद 36 कंट्री में हो गई है, जिसमें इंडिया भी अब इंक्लूड हो गया है। तो हमारे लिए बहुत बड़े गौरव की बात है कि एक ऐसी कंपनी जो वर्ल्ड में धूम मचा रही है, एथलीट्स को हैप्पी रख रही है, फैमिलीज़ को हैप्पी रख रही है, उनके 4 से 5 प्रोडक्ट अपने इंडिया में कंटिन्यू हुए हैं और जिनके साथ साथ में ज़बरदस्त बेहतरीन बिजनेस प्लान भी है, और जहां से आप एक अपनी हेल्थ को भी सही रख सकते हैं और साथ साथ में आप और एक बड़ा पैसा भी बना सकते हैं। अगर आप जानना चाहते हैं कि कैसे आप यहां पर कंटिन्यू कर सकते हैं, कैसे आप अपनी हेल्थ को सही रख सकते हैं, कैसे आप अपने बच्चों की हेल्थ को सही रख सकते हैं, कैसे वाइफ, मदर, फादर, सेल्फ, नेवर्स, अगर आप उन सब की हेल्थ को लेकर अगर लगता है कि आपको सिंसियर हैं तो आप मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, मैं आपको 1-to-1 बताऊंगा कि कैसे और क्या करना है, ठीक है। 2017 में आज तक पीएम इंटरनेशनल वर्ल्ड के 36 कंट्रीज के अंदर प्रोडक्ट्स सेलिंग का सर्टिफिकेट लेकर बैठा है, जिसको बोलते हैं WFSDA। जी हाँ फ्रेंड्स, आज कंपनी 36 कंट्रीज के अंदर लीगलाइज सर्टिफिकेट लेकर बैठी हुई है, जिसका नाम है WFDSA। अब आप बोलोगे WFDSA होता क्या है? तो WFDSA होता है वर्ल्ड फेडरेशन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन। हर काम लीगलाइज तरीके से हो रहा है, कंपनी इंडिया में आई बिल्कुल लीगलाइज तरीके से, कंपनी ने अपना ऑफिस ओपन किया पीएम इंटरनेशनल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के नाम से। अभी तक बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स आप भी ले रहे हैं, मैं भी ले रहे हैं, जिनका कोई माई बाप नहीं है, कोई अता पता नहीं है कौन क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। तो आने वाला जो मेरा अगला वीडियो रहेगा वहाँ मैं आपको बिजनेस प्लान के बारे में बताऊंगा, प्रोडक्ट्स के बारे में बताऊंगा, क्या उनके रिजल्ट्स हैं उनके बारे में बताऊंगा, और मेरी कोशिश रहेगी कि इंडिया में पिछले 5 साल में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो लोग इस प्रोडक्ट को ऑलरेडी कस्टम ड्यूटी देकर ले रहे थे, मैं उन लोगों से आपको मिलवाऊंगा और वही लोग अपनी जुबानी आपको बताएंगे कि किस लेवल पर उनको रिजल्ट्स मिले हैं। आज लोग पीएम इंटरनेशनल के प्रोडक्ट्स के इतने बड़े फैन हैं, अगर प्रोडक्ट की कॉस्ट 4,000 रुपये होती है तो 2 से 2,500 रुपये कस्टम ड्यूटी देने के बाद भी अपनी कंट्री में लेकर उसको यूज़ कर रहे हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, बहुत सारे जो कि एक्सरसाइज करने के लिए जाते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग जो कि अपनी फैमिली को लेकर अवेयर हैं, कस्टम ड्यूटी देकर प्रोडक्ट्स को इंडिया में ले रहे थे। तो कंपनी ने वो कस्टम ड्यूटी तक बचा दी है, इंडिया में अपना बिजनेस स्टार्ट हो गया है। दिल्ली में पहला सेमिनार हुआ था, ज़बरदस्त रिजल्ट मिला और
इसी 21 को मुंबई में अगला इवेंट होने जा रहा है जो कि द ललित के अंदर होने जा रहा है। अगर आप लोगों को लगे कि आप लोगों को भी इस प्रोग्राम को कंटिन्यू करना है, आप मुझे बताएं, मैं आपको बताऊंगा कैसे आप इसको कंटिन्यू कर सकते हैं, कैसे आप अपनी हेल्थ का ध्यान रख सकते हैं और कैसे साथ में बिजनेस भी कर सकते हैं। एक ऐसा बिजनेस मैं काफ़ी लंबे टाइम से देख रहा था, सर्च कर रहा था, जो कि वाइट कॉलर हो। जी हाँ फ्रेंड, जो बिजनेस वाइट कॉलर हो, लॉन्ग टर्म के लिए हो और जहां पर किसी तरह का कोई स्कैम ना हो। तो ये एक ऐसा पहला मेरे हाथ प्रोग्राम लगा और मैं अपने आप को बहुत लकी मानता हूं कि जैसे इंडिया में ये लॉन्च हुआ, आपके भाई को इसके बारे में इंट्रो मिली, आपके भाई ने ऑनर से बात की, सब चीज़ों को समझा और आज आपके सामने है। ना यहाँ पर हेल्थ के साथ कोई स्कैम होने वाला है, ना बिजनेस के साथ में कोई स्कैम होने वाला है। तो मिलते हैं फ्रेंड्स मेरे अगले वीडियो में, जहाँ मैं आपको प्रोडक्ट्स के बारे में बताऊंगा। आज मैंने आपको पीएम इंटरनेशनल के फाउंडेशन के बारे में बताया है। आप सर्च कर सकते हैं पीएम इंटरनेशनल को लेकर यूट्यूब पर जाकर कि वर्ल्ड के कितने सारे एथलीट्स, कितने सारे डॉक्टर्स, कितनी सारी फैमिलीज हैप्पी इस प्रोडक्ट को यूज़ कर रही हैं। तो अगर आप मुंबई या मुंबई के आसपास से हैं और 21 के इवेंट को ज्वाइन करना चाहते हैं, मुझे कॉल करें, मैं आपको बताऊंगा कैसे आपको वहां पर एंट्री मिलेगी, क्योंकि इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म है। कोई झोला छाप बोलूंगा तो झोला छाप कोई ऐसा प्रोग्राम नहीं है, कोई झोला छाप इवेंट नहीं है कि वहाँ हर किसी को एंट्री मिलने वाली है। तो अगर आपको लगे कि आपको मेरे साथ में कंटिन्यू करना है, तो फ्रेंड्स वेट कर रहा हूँ मैं आपका और आपकी कॉल का। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपनी हेल्थ को लेकर कितने कॉन्शियस हैं। बहुत सारे प्रोग्राम्स में आपको मेरे से एलर्जी हो सकती है, बहुत सारे प्रोग्राम्स आपको हो सकता है कि लगे कि यार ये रिंकू शर्मा ये प्रोग्राम कर रहा है, मैं उसके साथ नहीं करूँगा। लेकिन यहाँ मैं किसी प्रोग्राम को इंट्रोड्यूस नहीं कर रहा हूँ आपसे, मैं आपकी हेल्थ को लेकर आपको अवेयर कर रहा हूँ। सो मिलते हैं फ्रेंड्स आपकी एक कॉल के बाद। और फाइनली यही बोलूँगा कि अगर आपको ये मेरा वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो, नॉलेज देने वाला लगा हो, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा स्प्रेड करें। ये वीडियो के नीचे मेरा मोबाइल नंबर आ रहा है, मुझे कॉल करें। पीएम इंटरनेशनल के बारे में क्या आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, मैं वन टू वन आपको देने की कोशिश करूँगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय। और फाइनली लास्ट में एक बार ये ज़रूर बोलूँगा, सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करना ना भूलें। और जो लोग अभी तक अनलाइक करते आए हैं, मेरे कई सारे वीडियोस को अनलाइक करते आए, वो भी अपनी हेल्थ को लेकर जरूर कॉन्शियस होंगे। तो इस बार मैं उनसे भी यही बोलूंगा कि दोस्त अनलाइक का बटन नहीं, इस बार लाइक का बटन दबाना। सो फाइनली मिलते हैं आपकी कॉल के बाद।